सब्सक्राइब करिए ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल ट्यूटोरियल गुरुजी। और गाइज मैं हूं नाजु और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार मैजिक ट्रिक लेकर आया हूं कॉइन और पानी के साथ। सो गाइज ये जो मैजिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप किसी के साथ इस मैजिक को बहुत ही सिंपल से किसी भी टाइम दिखा सकते हैं। सो गाइज अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले मैं इस मैजिक को करके दिखाऊंगा, इसके बाद आप लोगों को सिखाऊंगा भी कि इसको किस तरीके से किया जाता है। सो गाइज आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर हमने सामने लगा दिया है एक पंखा तो उसका आवाज़ आ सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का जादू। तो देखिए मेरे पास एक ग्लास है, एक नहीं सॉरी मैं कहना चाहूँगा मेरे पास दो ग्लास है, देख सकते हैं प्लास्टिक का ग्लास है। तो आप भी इस मैजिक को सीखने के बाद बहुत ही सिंपल से कर सकते हैं और इस ग्लास को आप किसी भी मार्केट से दुकान से खरीद सकते हैं, बहुत सारे घर में ये होता भी है। तो सबसे पहले देखिए मैं एक ग्लास लूँगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल खाली, और मेरे पास से एक बोतल पानी। तो सबसे पहले इसका जो है ढक्कन ओपन कर लेते हैं, ओके, तो नीचे रख देते हैं। और देखिए यहाँ पर पानी है और मेरे पास एक ग्लास, और ग्लास जो है बिल्कुल सॉलिड है। तो चलिए डाल देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पानी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, ओके। ये देखिए बहुत सारा पानी हमने डाल लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरे पास कुछ कॉइन है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉइन्स, छोटा छोटा एक रुपये का वाला जो कॉइन होता है वो कॉइन 1, 2 और 3। तो मेरे पास 3 कॉइन है जो कि है 1 रुपये का। अगर देखिए इस पानी के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं पानी है, इस पानी के अंदर मैं अगर कॉइन को एक एक करके डाल दूँ, 1, 2, 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 कॉइन है जो कि है इस ग्लास के अंदर, ओके। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि इस कॉइन तीनों को आपको बाहर करना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हैं जो कि है उंगली डाल के इसके अंदर से कॉइन बाहर कर सकते हैं, ओके। दूसरा बात तो ये कर सकते हैं कि आप किसी एक चीज़ को ले सकते हैं और पानी और कॉइन को दोनों को डाल सकते हैं नीचे, और इसके बाद कॉइन और जो है पानी को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करने वाला, मैं थोड़ा अलग तरीके से करूँगा, थोड़ा मैजिक से करूँगा, ओके गाइस। तो मेरे पास और दूसरा एक कप है जो नीचे गिर गया है, बहुत ही हवा चल रहा है, यहाँ पर सामने पंखा लगा हुआ है। तो ये गाइस देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, इसमें कोई कॉइन या कोई पानी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। और इसका जो नीचे का हिस्सा है ये भी सॉलिड है, नहीं तो अगर छेद होता तो पानी जो है नीचे गिर जाता सिंपली, ओके गाइस। तो ये देखिए सिंपल सा है, इसको मैं इसके अंदर डालूंगा। ये देखिए डाल दिया हमने, यहाँ पर 2 गिलास है और जो ऊपर वाला गिलास है इसके अंदर जो है हमने पानी और कॉइन को डाला है, नीचे वाला गिलास जो है बिल्कुल खाली है। थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, मैजिक करेंगे, गिली गिली छू, पानी और कॉइन दोनों अलग अलग हो जा। तो देखिए ये यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 2 गिलास, ऊपर वाला गिलास में पानी और हमने कॉइन डाला था। ये देखिए ऊपर वाला गिलास थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं, अभी मैजिक नहीं हुआ है, थोड़ा मैजिक कर देते हैं। ये देखिए अभी जो है पानी और कॉइन जो है हमारा अलग अलग हो जाएगा। सो गाइस इसमें था पानी और कॉइन, तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी दूसरे गिलास मतलब नीचे की गिलास में आ गया है और कॉइन है हमारा इस गिलास में। तो गाइस एक जो पानी है इसको मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पर, और देखिए मेरे हाथ में जो गिलास है इस गिलास के अंदर है कॉइन। सो ये देखिए थोड़ा सा पानी भी है और ये तीनों कॉइन भी है और गिलास बिल्कुल खाली है, ओके। तो गिलास को नीचे रख देते हैं और ये देखिए तीनों कॉइन जो है मेरे हाथ। सो गाइस जिस गिलास में कॉइन था उस गिलास में सबसे पहले हमने पानी भी डाला था, कॉइन भी डाला था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ ना, पानी दूसरे गिलास में चला गया, कॉइन जिस गिलास में हमने डाला था उसी गिलास में है। सो गाइस ये था मेरा आज का मैजिक ट्रिक। तो आप भी इस मैजिक को बहुत ही सिंपल से कर सकते हैं अपने घर में और सबके साथ दिखा सकते हैं। सो गाइस चलिए आप सिखाऊंगा इस मैजिक को किस तरीके से किया जाता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को मतलब लगा होगा अच्छा तो अभी लाइक कर दीजिए गाइस। अगर लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो बनाना भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग लाइक करते हैं इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। सो गाइस चलिए आप सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है उसको भी दबाना ना भूलें। तो क्या होगा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नया नया वीडियो में जब अपलोड करूंगा यूट्यूब में सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके पास और सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हैं और नया नया जादू जो है सीख सकते हैं।
सो गाइस चलिए आप बारी है इस मैजिक को सिखाने का, मतलब इसको किस तरीके से किया जाता है। सो गाइस उससे पहले जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं, मतलब कि जो मेरे बंगाली भाई हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, उन लोगों से मैं मस्ट कहना चाहूँगा, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस चैनल मतलब उस लिंक को क्लिक करके आप एक नया चैनल आपको मिलेगा, उस चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छा अच्छा इंग्लिश सिखाया जाता है। सो गाइस चलिए आपको सिखाते हैं इस मैजिक को किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि गाइस मैं आप लोगों को दिखाया था कि मेरे पास दो ग्लास है। सो गाइस आप अगर करना चाहते हो तो आपको भी इस तरीके का कुछ ग्लास चाहिए प्लास्टिक का, जो कि दो नहीं यहाँ पर तीन ग्लास है। सो गाइस आपको एक ग्लास जो है नहीं दिखाई देता है, तो वो कहाँ है? सो गाइस देखिए ये जो ग्लास है, सबसे पहले इस ग्लास के बारे में बात करते हैं। ये जो ग्लास है, सो गाइस इस ग्लास के पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बहुत सारा छेद किया गया है। तो देखिए अच्छे तरीके से हमने पहले से इसको छेद करके रखा था। सो ये है नंबर वन ग्लास। सो गाइस मेरे पास है और एक ग्लास जो कि है बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल सा ग्लास है, इसमें हमने किसी तरह का ट्रिक नहीं किया है, ये बिल्कुल असली ग्लास है। और हमारे पास और एक ग्लास है जो कि है आधा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है ऊपर का हिस्सा हमने काट लिया है, तो ये आधा ग्लास है, इसका पीछे का हिस्सा जो है बिल्कुल सही है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सिंपली तीन ग्लास लेना है, एक में छेद करना है इस तरीके से, और एक को सिंपल रखना है मतलब नॉर्मली रखना है, और एक का आपको आधा काट लेना है। तो सबसे पहले जो अच्छा ग्लास है मतलब जो सही ग्लास है उसको आपको रखना है अलग करके, और ये जो है छेद वाला ग्लास, नीचे वाला छेद क्या है हमने, ये ग्लास को और ये आधा ग्लास को आपको इसके अंदर इस तरीके से डाल लेना है। सो गाइस अगर आप अभी यहाँ पर पानी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो नहीं गिरेगा, क्योंकि क्या क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो है नीचे का हिस्सा है, देखिए इसका पीछे का हिस्सा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, और इसमें छेद है, इसीलिए जो इसके अंदर जब इस तरीके से डालते हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी डालेंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा। तो सबसे पहले आपको दिखाया था इस तरीके से, देखिए मेरे पास एक ग्लास है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा, और आपको यहाँ पर उंगली रखना पड़ता है, नहीं दिखाई देगा जो है आधा कटा हुआ हिस्सा जो है नहीं दिखाई देगा इस तरीके से पकड़ने से। सो सबसे पहले आपको अभी पानी डालना है। सो गाइस देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक है, आप भी दिखा सकते हैं सबके सामने, इस तरीके से आपको लेना है पानी डालना है। देखिए यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको, ठीक है थोड़ा सा पानी डालना है। अब कहना कि देखिए मेरे पास कुछ कॉइन है, आप जितना मर्जी कॉइन ले सकते हैं, सबसे बेटर दो तीन कॉइन से ज़्यादा मत लेना, नहीं तो जो है छेद बंद हो जाएगा, पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो एक एक करके इस तरीके से डालना है, 1, 2 एंड 3। तो देखिए हमने जो कि क्या किया ना, पानी डाला पहले, पानी के अंदर जो है हमने तीन कॉइन भी डाला है। अगर यहाँ पर आप अगर अलग अलग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, बहुत सारे भाई कहेगा कि उंगली डाल के मैं बाहर कर लूँगा कॉइन को, कोई कोई कहेगा कि इसको नीचे किसी चीज़ के अंदर डालूंगा पानी को, तो पानी अलग हो जाएगा कॉइन अलग हो जाएगा। तो आपको कहना है कि गाइस मैं इस तरीके से कुछ भी नहीं करने वाला, मैं मैजिक से करूँगा। तो तब आपको लेना है दूसरा गिलास इस तरीके से, मतलब तीसरा गिलास, और आपको दिखाना है, देखिए ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई ना पानी है ना कुछ, इसमें कोई कॉइन भी है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा है। और आपको कहना है देखिए इस हाथ में मेरा कॉइन है और पानी भी है। सो गाइस आपको करना क्या है ना, सिंपली इस गिलास को लेना है और उसके नीचे इस तरीके से डालना है, और आपको कहना है यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला गिलास है इसमें हमने कॉइन और पानी दोनों को डाला है, नीचे वाला गिलास जो है बिल्कुल खाली आपको दिखाया था, लेकिन देखिए एक गिलास में कॉइन आ जाएगा और एक गिलास में पानी आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई जो है विश्वास नहीं करेगा आपके बाद में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्टिंग करना है, गिली गिली छू मैजिक करना है, और तब क्या करना है आपको, ये जो ऊपर वाला गिलास है, इस गिलास के साथ जो हम छोटा सा आधा कटा हुआ गिलास लगाए थे, उस गिलास का नीचे का हिस्सा को आपको थोड़ा सा दबा के यहाँ पर पकड़ लेना है। तो क्या होगा, जब आप ऊपर वाला गिलास को इस तरीके से ऊपर खींचेंगे, तब सिर्फ ये यही गिलास बाहर आएगा, और जो आधा वाला आधा कटा हुआ गिलास था वो इसके अंदर ही रह जाएगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको, ये देखें यहाँ पर आधा गिलास है, इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ये देखिए ये जो है हमारा इस मैजिक का सबसे बड़ा ट्रिक, तो ये इसके अंदर हो जाता है, और आपको बाहर से लगता है कि इस गिलास के अंदर पानी आ गया है, सो गाइस इसके अंदर नहीं आता है। सो जब आप इस तरीके से बाहर करेंगे, तब आपको ये हाथ जो है यहाँ पर रखना है, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा दबा के पकड़ना है, और इस तरीके से बाहर कर लेना है, और जब पूरा बाहर हो जाएगा तब हाथ को यहाँ पर ले जाना है इस तरीके से, इसको यहाँ पर इस तरीके से मत छोड़ना, नहीं तो नीचे का हिस्सा दिखाई दे सकता है, ये पकड़ना है और आपको दिखाना है। गाइस देख सकते हैं ये जो है हमारा पानी, ये अलग हो गया है, और ये देखिए यहाँ पर कॉइन आ गया है। सो गाइस इसके बाद आपको पानी यहाँ पर नीचे रख सकते हैं, नहीं तो कहीं पर किसी के हाथ में भी दे सकते हैं, वो वहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, और आपको इस तरीके से जो है कॉइन बाहर करके दिखाना है। गाइस देख सकते हैं जो कॉइन है ये अलग हो गया है, और इसमें हमने सबसे पहले पानी और कॉइन डाला था, लेकिन कॉइन इसमें रह गया और पानी जो है दूसरे ग्लास में चला गया। सो गाइस ये मैजिक आप भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको घर में, तो आप सबके साथ इस मैजिक को बहुत ही सिंपल से दिखा सकते हैं। और गाइस अगर आपको नया नया मैजिक का आइटम खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर दिया गया है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप नया नया मैजिक का जो है आइटम खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस बहुत ही कम रेट में मैजिक का सामान मिलते हैं, अगर आपको लेना है तो आप कॉन्टेक्ट जो है कर सकते हैं। और अगर अपने घर में या स्कूल में, शादी में, पार्टी में, जन्मदिन में शोज कराना चाहते हैं, तो भी दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जो है बुकिंग कर सकते हैं मैजिक शोज के लिए,
बहुत ही कम रेट में सोर्स किया जाता है। सो गाइज यही था कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर किया, और ये था मेरा आज का मैजिक ट्रिक। आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। और चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरीके का नया नया मैजिक का आइटम लेकर आता हूँ। सबसे पहले मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि आज मैं करके दिखा, इसके बाद सिखा, तो इस तरीके से सिखाता भी हूँ। सो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज इतना ही, फिर एक न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।